जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव उच्च के होने के जा रहे हैं। अब इन उच्च का ग्रह मंगल ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार के फल देने के लिए तैयार है, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, कोई भी ग्रह अगर ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे ऊपर जा रहा है। दीप्तादि अवस्थाओं में देखा जाता है कि भी ग्रह नीच का है, अस्त है, वक्री है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, स्वराशि का है और सबसे ऊपर पे जाके पहुंचता है, तो उसको कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह यानी इससे ऊपर उस प्लेनेट का कोई लेवल नहीं होता। मंगलदेव जो कि हिम्मत और साहस के प्रतीक है, तो शनि जो कि धैर्य के प्रतीक है, सहजता के प्रतीक है, उनकी राशि में मंगल उच्च का होता है। यानी ऐसा मंगल जोशीला भी है और धैर्यवान भी है, लेकिन जल्दबाज नहीं है। इस मंगल की ये क्वालिटी है। मेष राशि में मंगल स्वराशि के होते हैं, लेकिन मेष का मंगल और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है और इनसे भी डिफरेंस रूप में काम करता है उच्च का मंगल। अब मंगल देव आने वाली 7 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। धनु राशि से निकलकर अब वो अपने उच्च के ग्रह शनि की राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे। यानी शनि के जो घर होते हैं, दो घर हैं, एक मकर और एक कुंभ है। मकर के अंदर मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी सिंह अपनी कुंभ राशि में चले ही रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शनि को बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का हो गया और शनि स्वराशि के, शनि के दोनों घर, दोनों ही घर किसी ना किसी रूप से बली है। अब ये जो मंगल ग्रह है, यहां पर लगभग लगभग 7 फरवरी से 15 मार्च बहुत अमूमन देखा जाता है, 45 से 50 दिन के बीच में मंगल का गोचर एक राशि के अंदर रहता है। अब मंगल क्या है? हिम्मत, साहस, पराक्रम का प्रतीक है। यानी आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जी देने वाला ग्रह है कि मेरे एनर्जी कारक ग्रह जो है वो अब बली है। अब उसको हम ये देखेंगे कि वो आपकी जो राशि है उस राशि से वो किन भावों के अंदर गोचर कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी किस भाव में जा रही है वो देखना है। मंगल किन भाव के स्वामी है वो देखना है। मंगल किन के साथ संबंध बना रहे हैं वो देखना है। तभी हमको पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो मंगल ग्रह हैं इनके गोचर का रोल क्या है, कि इस बार क्यों खास है। क्योंकि मंगल तो हर बार उच्च के होते ही हैं। मंगल के लिए देखा गया है कि 1.5 से 1.5 साल के बाद वो फिर से उसी राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है, वही हमारा आज का विषय है, जिसको मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, मंगल भी मकर में गोचर कर गए, दोनों ही ग्रह शनि की राशि में और दोनों शनि इस दौरान कुंभ राशि में स्वराशि के। मंगल ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उत्तरी, आषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र होंगे मंगल के जिसमें उनका गोचर होगा। अब जिन लोगों को मंगल की दशा चल रही है, जिनको शनि की दशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा है। या अगर आपका जन्म उत्तरी, आषाढ़, श्रावण या धनिष्ठा इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका फर्क अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा देखा जाएगा। उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। यानी यहां मंगल गोचर करते हुए स्वयं अपने ही राशि में, अपने ही कक्षा में, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी मंगल जो कि मकर राशि में, एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये परम उच्च के हो जाते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास जाके देखें तो मंगल उच्च भी होंगे, परमोच्च भी होंगे, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में भी चलेंगे, अपने भी नक्षत्र में चलेंगे। यानी मंगल का बल आप देखिए कि ये साधारण मंगल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बली मंगल है। अब इसको देखना यह है कि ये आपकी राशि के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उसी चीज को, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको पता लगे कि ये मंगल अगर मकर में आए हैं तो हमें कब कब किन किन क्षेत्रों में फायदा दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, कोई सावधानी बरतनी है, कोई उपाय करने हैं, वो सब मैं इसके अंदर आपको लेकर चलूंगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि मंगल का रास बुझाएगा प्यास। यानी कहीं ना कहीं ये जो मंगल का गोचर है, ये जो मंगल का रास है, ये आपकी प्यास को बुझाने वाला है। यानी आपके मन के अंदर जो उमंगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने में सक्षम है।
अब इसको हम आपकी राशि से देखेंगे कि अब आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है ये आपको क्या फल देने वाला है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सबसे जरूरी बात मैं हमेशा से अपने गोचर के वीडियो में बताता हूँ कि जिस राशि के स्वामी आपके लॉर्ड हैं यानी आपकी राशि के स्वामी कौन है उसको हमेशा गोचर में जरूर देखें। अगर वो अच्छी अवस्था में चल रहा है तो बाकी ग्रहों का गोचर उसको सहयोग करता है। इसका मतलब है कि यदि आप मेंटली और फिजिकली मजबूत हैं तो ही तो आपको सब चीज़ें जीवन में मिलेंगी। आप बीमार पड़े हैं, घर के अंदर पीड़ित हैं, आप काम करने ही नहीं जाते, कुछ करते ही नहीं, तो इसका मतलब उसका फायदा क्या मिलेगा। अब इसी चीज़ को आप सीधा कनेक्शन बनाते हैं मंगल से कि मंगल आपकी राशि के मालिक है, राशि का मालिक मंगल है और मंगल आपके लिए वर्तमान समय में देखें तो उच्च के हो गए हैं। अब मंगल उच्च का हुआ है यानी राशि का मालिक उच्च का हुआ। सबसे पहली बात, राशि का मालिक प्रेजेंट करता है इस चीज को कि जीवन में आप अपने बल पे कितना करते हैं। और जब राशि का मालिक एग्जॉल्टेड हो जाता है तो एग्जॉल्टेड होने का मतलब है कि उस प्लेनेट की जो रश्मियां हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो ब्रह्मांड में बहुत मजबूत स्थिति में चल रही हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मंगल से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि का ये योग है। अब राशि का मालिक उच्च का हुआ है यानी स्वास्थ्य और सम्मान के लिए अच्छा समय। इस दौरान आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आप सफलता निकाल के लाएंगे, क्योंकि वो मंगल राशि का मालिक होकर तीसरे घर के अंदर जाता है। और तीसरा घर क्या है? आपके सेल्फ एफर्ट्सों का घर है कि मैंने अपने बल पे मेहनत करी तब जाके मैंने इसको बनाया। यानी आपके द्वारा की गई मेहनत साकार होगी। मेहनत तो हर कोई जीवन में करता है लेकिन हर किसी का भाग्य उतना प्रबल नहीं होता। उसको लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा मेहनत की लेकिन फिर भी मुझे इससे कम फल मिला। यानी कहीं ना कहीं उसका भाग्य उससे अच्छा है। उस भाग्य की लड़ाई में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कर्म की लड़ाई हर व्यक्ति विशेष कर सकता है, क्योंकि कर्म के बाद ही भाग्य का सहयोग है। पहले कर्म ही नहीं कर रहा तो भाग्य सहयोग कहाँ से देगा। अब मंगल बलि हुए तीसरे घर के अंदर, तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग यात्राओं के लिए जाना जाता है, यानी ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन से, लोगों से जुड़ना, यात्राएं करना फलीभूत है। मंगल उच्च का होकर यहाँ बैठ के छठे घर को देखता है। छठे घर में होते हैं रोग, ऋण और शत्रु। रोग को हरने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, कॉम्पिटिशन में विजय प्राप्त करने वाला, कर्ज की मुक्ति दिलाने में सहयोग देने वाला, आपके अंदर जो जीवन में संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष से सफलता दिलाने का योग है। ये है मंगल। 9th हाउस पे मंगल की दृष्टि आती है कि मंगल का तीसरे घर से कनेक्शन है नवम भाव से, यानी अपने बल पे भाग्य वृद्धि का संयोग मंगल से है। दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है कि ये मेरे द्वारा किए गए कर्म, मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे कार्य क्षेत्र में फलीभूत होंगे। मैं इस दौरान जो मेहनत करूंगा उसमें मुझे फायदा मिलेगा। उच्च का मंगल अष्टम दृष्टि से अगर दशम भाव को देखता है तो इसको कहते हैं अचानक से गेन मिलने का योग, कि उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा, उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी, या उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस प्रकार से अच्छी चीज भी मिल सकती है, अच्छा पैसा मिल सकता है, या प्रोफेशनल लाइफ एकदम अच्छी हो सकती है। वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? मंगल के उच्च के होने से। अब मंगल शनि की राशि में उच्च का है। शनि की दो राशियां हैं, तीसरे और चौथे घर की, यानी शनि का बल भी बढ़ेगा। मंगल क्या है? भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। शनि क्या है? प्लेन लैंड। यानी ऐसी स्थिति में कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामों में फायदा, मशीनरी टूल से संबंधित काम में फायदा, खनन से फायदा, जमीन से निकलने वाली चीजों से फायदा हो जाता है इस मंगल के से भी और इस शनि के संयोग से भी। यानी हम कह सकते हैं कि ये एग्जॉल्टेड मंगल अगर 3rd हाउस में जाता है तो वो शनि का हाउस है, और शनि का हाउस यहाँ है। यहाँ शनि भी 10th हाउस को देख रहे हैं, मंगल भी 10th को देख रहे हैं, यानी दोनों ग्रह मिलकर आपके कर्म भाव को बलि कर रहे हैं। कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी चीज का पूरक है। ग्रह जिसकी राशि में जाता है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वो जुड़ जाता है और उसके भाव के स्वामी से वो जुड़ जाता है। यानी एक ग्रह अकेला रिजल्ट ना देके 2 या 3 ग्रहों से मिलके जुड़कर रिजल्ट देता है। यानी हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में मंगल का ये उच्च का होना बेहद खास है, बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। बस आपको अपनी एनर्जी सही स्थान पर लगानी है, निश्चित आपको लाभ होगा। जय श्री राम।